दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश जैन को गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है राजेश जैन की। बता दें आपको कि कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं राजेश जैन। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है राजेश जैन पर, बड़ा आरोप कांग्रेस के नेता राजेश जैन पर। पूर्व विधायक रह चुके हैं राजेश जैन, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है राजेश जैन पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है राजेश जैन की। जतिन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जतिन, गंभीर आरोप पूर्व विधायक राजेश जैन पर है। दरअसल क्राइम ब्रांच के पास एक FIR दर्ज की गई थी, जिसको लेकर पिछले काफी समय से क्राइम ब्रांच लगातार गिरफ्तारी कर रही थी। दिल्ली के एक लॉयर टंडन को भी इस मामले पे गिरफ्तार किया गया था, और अब जाकर जो राजेश जैन है, जो कि सदर से कांग्रेस की तरफ से विधायक रह चुके थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। उन पर यह एलिगेशन है कि उन्होंने 500 और 1000 के जो नोट थे, जो पुराने जो बंद किए गए थे सरकार द्वारा, उन नोटों को शेल कंपनियों द्वारा बैंकों में जमा कराया गया था, उसी के आरोप में अब ये गिरफ्तारी की गई है। हालांकि अब राजेश जैन से इस मामले पर पूछताछ की जाएगी, और क्या क्या वो खुलासे करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्राइम ब्रांच का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए जतिन।